दोस्तों आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पाप का गुरु कौन है। इस कहानी के जरिए मैं आपको ऐसा संदेश दूंगा जो आपके लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। एक बार की बात है, एक पंडित जी काशी में कई वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जब अपने गांव लौटे तो पूरे गांव में शोहरत फैल गई कि एक पंडित का बेटा काशी से शिक्षित होकर आया है और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को चुटकियों में सुलझा सकता है। शोहरत सुनकर एक किसान उस पंडित जी के पास आए और पंडित जी से बोले, पंडित जी ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। ये सुनकर पंडित जी चकरा गए। इससे निरुत्तर होने पर उन्होंने दोबारा काशी जाकर अध्ययन के लिए समय निकालना उचित समझा, क्योंकि वो समझ गए कि अभी वो पारंगत नहीं हुए हैं। लौटकर जब अपने गुरु के पास पहुंचे तो गुरु भी उसका उत्तर नहीं दे सके। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका से हो गई। पंडित जी बहुत परेशान थे। गणिका ने पंडित जी को देखकर पूछा, पंडित जी क्या बात, बड़े परेशान लग रहे हो। तब पंडित जी ने अपनी समस्या उसे बता दी। गणिका ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात है, इसका उत्तर तो मैं चुटकियों में दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरे पड़ोस में मेरे साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा और उत्तर मैं आपको उसका बता दूंगी। अब उत्तर के लिए भटकते पंडित जी ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं है और वो गणिका के साथ उसके घर के बराबर में गणिका ने एक घर का इंतजाम कराया और पंडित जी वहां रहने लगे। अब पंडित जी बड़े धर्म परायण थे, वो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। गणिका के घर के पास रहते हुए भी वो अपने हाथ से खाना बनाते और सारे नित्य कर्म अपने हाथ से किया करते थे। एक दिन गणिका बोली कि पंडित जी आप खाना बनाते हुए थक जाते हैं, मुझे अगर आज्ञा दे तो मैं नहा धोकर आपका खाना बना दिया करूं और खाना बनाने के साथ साथ मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्रा खाने के साथ में दूंगी। अब स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनते पंडित जी के हाथ में तो लड्डू लग गए। उन्होंने सोचा कि पका पकाया भोजन मिलेगा और साथ में 5 स्वर्ण मुद्रा एक दिन की मिलेगी। पंडित जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें आते जाते कोई देख ना ले। उस गणिका ने पंडित जी को भरोसा दिलाया कि मैं छुपचाप आऊंगी, आपका भोजन बनाऊंगी, आपको परोसूंगी और 5 स्वर्ण मुद्रा देकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब गणिका पहले दिन नहा धोकर सवर कर आई। उन्होंने बहुत अच्छा कई तरह का खाना बनाया और पंडित जी को खाना परोसा। पंडित जी हाथ मुंह धोकर जब बैठे, जैसे ही पंडित जी खाना खाने वाले थे, गणिका ने थाली खींच ली। पंडित जी को गुस्सा आ गया कि ये क्या मजाक है। गणिका ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले भोजन तो दूर, आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आपने मेरे हाथ से बना हुआ खाना भी खाना स्वीकार कर लिया। यानी लोभ ही पाप का गुरु है। पंडित जी के तोते उड़ गए। पंडित जी ने कहा, हाँ बात तो ठीक है। दोस्तों लोभ दुनिया में पाप कराता है, इसलिए कभी भी लोभी ना बने, कभी भी लालच ना करें। अगर लालच करेंगे तो आप पाप कर बैठेंगे। मेरा इस कहानी को बोलने का यही मकसद था। बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।